सारण है, मैं हूँ तेरे लिए कुसुम गोयल। तरले का आगे हूँ मौसम की खबर। मौसम की जे मैं जानकारी तेरे लग दे तो जल्द से जल्द मानसून आने की संभावना है, यानी कि लोग इब खुश हो सका है क्योंकि बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है। मानसून की उत्तरी सीमा 19 जून तक बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला, अमृतसर पर ही टिकी हुई है और मानसून टर्फ रेखा हिमालय की तलहटियों की तरफ बनी हुई है, यानी कि मानसून भी जल्दी से जल्दी हरियाणा पंजाब में आ सका है और यह टर्फ रेखा जो है हिमालय की तलहटियां तय 9 जुलाई तक दक्षिण की ओर नीचे आने और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनाने तक मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्थितियां बनने की पूरी संभावना देखते हुए हरियाणा में 9 जुलाई देर रात्रि तक मौसम में बदलाव हो सका है, यानी 9 तारीख तक। 10 तारीख की बात करूँ तो 10 जुलाई तक मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिस तरह राज्य में 10 जुलाई तक लेकर 14 जुलाई तक बीच बीच में हवाएं और गरज चमक के गेले कितिया कितिया जो है बारिश आ सका है, कितिया कितिया धूल जो बारिश के कारण जो हवाएं भी चल सका, यानी कितिया बादल भी बने रह सका है और कितिया बारिश भी आ सका है। आगे की जब मैं बात तार लग बताऊँ तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में जो है बारिश की पूरी पूरी संभावना बताई गई है, यानी कि अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और तेलंगाना और तटीय ओडिशा में हल्की तथा मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर जो है भारी बारिश आ सका है। और जब मैं बात करूँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी 9 जुलाई की रात्रि तक मौसम में बदलाव आ सका है और उसके बाद कितिया कितिया जो है बारिश आ सका है, यानी कि गनखरे जो हरियाणा के गनखरे जिले हैं उनमें तो आज रात तक भी मौसम बदल दिखा जा सका है, यानी कि आज रात या तो ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी या फिर जो है छिटपिट बूंदाबांदी होगी। तो ठीक से नहीं आए है मौसम की खबर, और तारी जगह पर कितना बरसा कितना ना बरसा या फिर छिटपिट बूंदाबांदी हुई है या ना हुई है या फिर गर्मी कितनी पड़ रही है वो तामे मने कमेंट में बता दियो। ठीक से नहीं, मैं फिर मिलूंगी तामने किसी और खबर के लिए, तब तक के लिए राम राम।